आरक्षण में संशोधन को लेकर SC/ST ने सिंघिया में किया सड़क जाम। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत सिंघिया दरभंगा मुख्य सड़क मार्ग SH-88 को लिलहल ग्राम के दलित महादलित लोगों ने SC/ST कानून आरक्षण मामले को लेकर संशोधन करने के विरोध में टायर जलाकर सड़क जाम कर मांग किया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया कानून को बदलाव नहीं किया जाए। अभी भी दलित लोगों के साथ भेदभाव बरती जा रही है। भोज खाने में जाने पर एक साथ स्वर्ण के साथ भोज खाने नहीं दी जाती है। खाना खाने के बाद स्वयं पत्ता उठाकर फेंकना पड़ता है। वहीं सिंघिया प्रखंड के वारी मंगला में भी सिंघिया कुशेश्वर स्थान मुख्य सड़क मार्ग को जाम किया गया था। आप लोग सड़क जाम किए हैं क्यों किए हैं? क्या हम लोग सड़क जाम किए हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया जो आरक्षण में कुछ जाति का हटाया जाए और क्रिमिनल लेयर लाया जाए ये गलत है। अभी जब तक हम लोग की SC/ST अभी सरकार जो भीमराव अम्बेडकर जो बनाया था अभी भी हमको उस कानून पर भी हमारा बहु बेटी जो है सुरक्षित नहीं है और ये टूट जाता है। जब ये आरक्षण टूट जाता है तो और हमारा बेटी बहू माँ बहन सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए कानून जो संविधान में बनाया था वही कानून रहना चाहिए। इसलिए हम लोग रोड जाम किए हुए तो पूरा भारत बंद है जी। और इसमें मूल रूप से सरकार द्वारा जो SC/ST OBC सबको जो खत्म करने की प्रक्रिया की जा रही है और बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो लिखी गई संविधान को बदलने की प्रयास की जा रही है उसके विरोध में पूरे भारत बंद है जिसमें आप लोग आज सिंघिया में बंद किए हैं जी। ये सुबह से ही जारी है जी। सुबह से जारी है इसलिए हमारा जो हरदम है वो लागू रहना चाहिए। जो पहले संविधान बना था उस संविधान लागू रहना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? बद्री पासवान। क्या बोल रहे हो? मैं विकास कुमार। सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाया है SC/ST के मतलब विरुद्ध जो फैसला आया है इसमें SC/ST को क्रिमिनल लेयर में शामिल किया गया जो बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि अभी भी हम देखते हैं जो हम लोग के साथ इतना भेदभाव होता है, जातिवाद किया जाता है और साथ में कहीं पर भोज का नौता दे तो वहाँ साथ में बैठ के खाने तक नहीं दिया जाता है। और सरकार बोल रही है जो अभी सभी जाति बराबर हो गया हम लोग इसका बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बना के गए हैं वही संविधान रहना चाहिए। बाकी अभी कोई सा ऐसा नेता है जिसके पास 32 डिग्रियां हो? हमारे बाबा साहब जो संविधान बना गए थे उसके पास 32 डिग्री थी। कोई हो जो उसके पास 32 डिग्रियां हो तो संविधान चेंज करके दिखाए, नहीं तो नया संविधान लिखे और है तो। धन्यवाद। यही रहिए। हाथ उठा के बोलियो SC/ST जय भीम।